आर्ट प्रोजेक्ट। वॉल आर्ट प्रोजेक्ट ने 5 साल से आर्ट प्रोजेक्ट इंडिया में चला रहे हैं। हम लोग का प्रोजेक्ट जो है स्कूल का दीवार पर कलाकार लोग ने वॉल पेंटिंग बनाएंगे या कलाकार के साथ में जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उधर का लाइफस्टाइल या संस्कृति को फोकस करके कुछ चीज़ निकल के वो कलाकार लोग ने एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे आर्ट वर्क को हम लोग जो भी को देखना चाहते हैं उन लोगों को एक्सप्रेशन करते हैं। वो चिल्ड्रेन जो है अभी बच्चा में पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली कलाकार लोग स्कूल में आने के बाद में क्लासरूम के अंदर में रोज दिन बच्चा के सामने आर्ट वर्क बनाते हैं। तो 2 हफ्ते से 1.5 महीना लगा करके पेंटिंग बनाते हैं, तो उसके दरमियान बच्चे लोग कलाकार का पेंटिंग वर्क देखते हैं। तो मतलब कैसे पेंटिंग करते हैं वो तरीका तो नहीं, बल्कि कितना पैशन के साथ में कलाकार लोग ने पेंटिंग बनाते हैं वो बच्चे लोग के दिल तक पहुंच जाते हैं। जैसे ज़्यादा बच्चे को पेंटिंग करना बहुत पसंद आ गए या डांसिंग या सिंगिंग करने में भी बहुत एक्सप्रेस हो सकता है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए जापान से काफ़ी लोग आते हैं, तो बच्चे को ऐसे दूसरे जगह के लोग से बातचीत करने में बहुत कॉन्फिडेंस लग जाता है। एक्सप्लेन करते हैं तो बाहर से लोग भी देखने के लिए आते हैं और उन लोग को पता चलता है कि अभी गांव का लाइफस्टाइल कैसे है, मतलब गांव लोग कैसे रहते हैं या गांव का दिक्कत क्या है वो भी पता चलता है। तो इसके सिर्फ हम लोग ने गाँव का स्थिति को और अच्छा करना चाहते हैं। मेरा नाम अभिषेक जालान है और मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं जिसका नाम है iCanToo। खगड़िया बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। खगड़िया को हिस्टोरिकली फरकिया भी कहा जाता है। फरकिया जो है उसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है एग्जम्प्टेड। राजा टोडरमल जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जब खगड़िया विजिट किया रिवेन्यू असेसमेंट के लिए, तो उनको वहाँ पे गरीबी और बदहालत बहुत ज़्यादा दिखी, जिसके कारण उन्होंने उस जगह को लैंड और क्रॉप रिवेन्यू से एग्जम्प्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वही कहानी आज भी कमोबेश वहाँ है। गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ऑल्दो लिटरेसी रेट जो है वो नेशनल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, पर सुपरस्टिशन और लैक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत एंडेमिक है। जो लोकल स्कूल्स हैं उनका भी एक सेट करिकुलम है, वो उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं सिखाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी इमेजिनेशन प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। वॉल आर्ट फेस्टिवल जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका यही एक मेजर गोल है कि वहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ ऐसा करें जिससे कि बच्चों का क्रिएटिव जूस जो है वो फ्लो करे, उनको जो है थोड़ा स्टिमुलेशन मिले कि दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी दूसरे करियर्स हैं जिनको वो परसू कर सकते हैं, जिनमें कि वो अच्छा कर सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा बजट है, बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं, बहुत सारे वॉलंटियर हैं, लोकल वॉलंटियर हैं, कुछ ऐसे वॉलंटियर हैं जो जापान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो चूंकि बजट बहुत ज़्यादा है तो पब्लिक सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को कर पाएँ। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये गुजारिश है कि आप इस प्रोजेक्ट में
खुले दिल से कंट्रीब्यूट करें. सो प्लीज़ 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 डोनेट एज जेनरसली एज यू कैन. थैंक यू.